हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितंक। एक और मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक आज सीखने वाले हैं हम लोग। बच्चों, हर संडे को हम एक नई नई टेक्निक्स सीख रहे हैं, नए नए ट्रिक्स सीख रहे हैं, उसको रिवाइज करते रहिएगा और बहुत मजा आ रहा है ना। बहुत सारे बच्चों का फीडबैक आ रहा है मुझे कि बड़ा अच्छा लग रहा है, कीप शेयरिंग सच टेक्निक्स। यस बच्चों, एवरी संडे आपका सुपर संडे बनने वाला है। तो आज एक और नया टेक्निक, और वो टेक्निक हमें हेल्प करेगा कुछ इस तरह के कैलकुलेशन को। तो चलो देखें फास्ट मल्टीप्लीकेशन ट्रिक 5। बच्चों, आज भी आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस विद इन 5 सेकेंड्स कर पाओगे। 996 मल्टीप्लाइड विद 995, इसका आंसर क्या होगा? अगर मैं लिखूं इसका आंसर तो 9910020 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। बच्चों, कितना फास्ट कर रहे हैं हम, करेक्ट? यही आपको आज इस क्लास के एंड तक सीखना है। लास्ट ये जो है सेकेंड एग्जाम्पल, तो ये क्या होगा इसका आंसर? तो 1012 मल्टीप्लाइड विथ 1008, तो इट विल बी 1020096। सर, इतना फास्ट हमें भी सीखना है ना? आप सब लोग सोच रहे होंगे हमें भी यही सी चीज सीखनी है इतने फास्ट। ये तो 5 सेकंड्स भी नहीं, विद इन 2 सेकंड्स हमने ये आंसर किया है। यस, तो यही आप इस वीडियो के एंड में सीखने वाले हो। इस वीडियो को एंड तक आराम से देखते रहिएगा, बहुत अच्छे से आपको सारी बातें क्लियर होंगी। ये वैदिक मैथ की एक ट्रिक है जो इन कैलकुलेशंस को करने में आपकी बड़ी हेल्प करेगी। तो बच्चों, इस टेक्निक का नाम है बेस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका नाम है बेस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, संस्कृत वर्ड तो कुछ और थे, बट इंग्लिश नेम इसका है बेस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब बेस क्या होता है? तो वैदिक मैथमेटिक्स में ना, जो 10, 100, 1000 ऐसे नंबर्स है, या 10,000, इनको हम बेसिस कहते हैं। दीज आर बेसिस फॉर अस, राइट बच्चों? तो इन्हें हम बेस कहते हैं। ओके, सो 10, 100, तो 10 का जो भी पावर आता है, बेसिकली 10 का कोई भी पावर, 10 का पावर 1 अगर हुआ तो 10, फिर 100, फिर 1000, 10,000, और आप जीरोज आगे बढ़ाते रहिए, इन सबको हम बेस कहेंगे। ठीक है, ये बात पक्की होगी। अच्छा, मैं कुछ नंबर्स लिखूंगा, हमको देखना है उनके बेस क्या है। ठीक है, तो लेट अस से मैं यहाँ पे 2 कॉलम बना रहा हूँ, नंबर्स यहाँ लिख रहा हूँ और इनके बेस क्या है। ठीक है, आपको ये बताना है मुझे। चलिए, अगर मैंने 97 लिखा बच्चों, तो इसका बेस क्या हुआ? ये किसके पास है? 10 के पास है क्या? नहीं। ये किसके 100 के पास है? हाँ, तो ये 100 इसका बेस हो गया। आप समझ रहे हो? ठीक है, क्या हुआ, इसका बेस 100 हो गया। अगर मैंने 991 लिखा तो मेरा 10 हो सकता है बेस? नो। 100 हो सकता है बेस? नहीं, 100 भी तो बहुत दूर है। 1000 हो सकता है? यस, क्योंकि ये नंबर 1000 के पास है। तो 1000 के पास है, इसलिए इसको क्या कर दिया हमने, बेस 1000 ले लिया। ठीक है बच्चों, अगर मैं 105 लेता नंबर, तो अगेन ये 10 के पास है? नहीं। 100 के पास? हाँ, तो ये 100 हो गया इसका बेस। ठीक है, सिमिलरली बेटा, अगर मैंने 1005 लिया होता तो अब इसका बेस क्या होगा? तो सर ये 1000 होगा। अंडरस्टूड? तो ऐसे अगर मैं और भी कोई नंबर ले लूं, लेटर से मैंने 9999 लिया होता, तो इसका बेस क्या होता? सर बहुत टफ जाता है। तो बेटा ये कितना डिजिट नंबर है? 4 डिजिट नंबर, तो 1 के आगे आप 4 जीरो लगा दो, ये इसका बेस बन जाता है। ठीक है, तो आपको कैसे समझना है, क्या सोचना है, देखो, है ना? तो 9999, 4 बार 9 था, हमें बेस क्या समझना डिफिकल्ट हो रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं, जब भी ऐसा कुछ हो तो 4 जीरो लगा दो आगे। अगर 10002 ऐसे आता है तो इसका बेस क्या? तो बहुत आसान है सर, 1 के आगे कितने डिजिट नंबर है? 5, तो 5 जीरो लगा दो, ये उसका बेस बन जाता है। तो जब भी हम 100 या 1000 से बड़े नंबर्स के बारे में बात करें, तो 1 के आगे कितने जीरोस लगेंगे? तो जितने डिजिट से उतने जीरो लगेंगे। जब भी आप बिलो द बेस, मतलब 990, 995, 999, 999 ऐसे नंबर्स के बारे में बात करो, तो बेसिस कैसे पता चलेंगे? कितना डिजिट नंबर है उतने जीरो आएंगे 1 के आगे। ठीक है, चलो एक और ट्राई करिए। तो बच्चों, 99997 क्या बेस होगा? तो सर 1 के आगे कुछ जीरो लगेंगे, कितने जीरो लगेंगे? कितने डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 लगेंगे, तो 2, 3, 4, 5। अरे वाह सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि बेसिस कैसे देखे जाते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक और बात, ये जो 97 है, ये बेस से कितना दूर है नंबर? तो ये बेस 100 से कितना दूर है बेटा? ये 3 दूर है, तो हम यहाँ -3 लिखते हैं। हम बेस से कंपेयर करते हैं हर नंबर को, हम हर नंबर को क्या करते हैं, बेस से कंपेयर करते हैं। तो हमारा बेस 100 है पहले एग्जाम्पल में, 97 में, तो हम -3 क्योंकि वो 3 नीचे है। सिमिलरली सेकंड के वक्त देखिए आप बेटा, 991 बेस से कितना दूर? तो 9, तो हम -9 क्योंकि 991 जो है वो क्या है, 9 पीछे, -9 करना पड़ेगा बेस में तब मिलेगा।
ठीक है, 105 सर ये बेस से आगे है, तो इसे कहते हैं अबाउ द बेस। ये नंबर कैसा है हमारा, बेस से बड़ा है, तो इसे कहा जाता है अबाउ द बेस, कितना प्लस 5। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल लॉजिक है, बेस क्या होता है समझ में आ रहा है। अब जो नंबर्स है वो बेस से कितना दूर है, ठीक है वो देख रहा हूं मैं। 1005 ये क्या होगा, अबाउ द बेस, बेस से ऊपर, कितना ऊपर, प्लस 5। ठीक है, 9999 बेस से क्या, बिलो है ना, बेस के नीचे है ना, ये बेस से कम है, तो बिलो द बेस, और ये है -1 क्योंकि एक कम है सर। ओके अगेन 10002 जो है ये बेस से कितना सर, दो ज्यादा है तो +2, और ये जो आखिरी वाला है ये तीन कम है तो -3। तो ये भी हमारे बहुत काम की बात है कि हमने बेस क्या है समझ लिया और ये नंबर्स कितना दूर है ना, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द नंबर्स फ्रॉम बेस, ये भी हमने पता कर लिया। चलो तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमें कि बेस क्या और क्या लगाऊंगा। इसका अप्लीकेशन हमारे एग्जाम्पल्स पे है। अब आपको एग्जाम्पल्स एकदम हलवा लगेंगे, एकदम मस्का लगेंगे, ठीक है। चलो देखते तो है सर कैसे होगे, चलिए डायरेक्ट एग्जाम्पल से बात करूंगा मैं। ओके बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसको मैंने, है ना, इसको मैंने क्या किया, दो अलग अलग पार्ट में बांट दिया, राइट। इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, आज हम दो पार्ट को ही रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बिलो द बेस, और ये सेम डिजिट नंबर्स है, मतलब ये कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी टू डिजिट नंबर है, नीचे भी टू डिजिट नंबर है, उसी को ये टेक्निक लगेगी, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे कोई भी नंबर किसी से मल्टीप्लाई करने की टेक्निक सिखाओ ना, आगे की वीडियोस में आएगा, वो भी हमारे पास है, आगे की वीडियोस में आएगा। अभी तो ये ट्रिक्स है जो स्पेसिफिकली इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ही लगेगी। तो जब भी डिजिट सेम है तो ऊपर भी टू डिजिट नंबर, नीचे भी टू डिजिट नंबर। बच्चों बताइए बेस क्या है इनका, सर इनका बेस जो है वो 100 है ना, दोनों का बेस क्या है सेम होना चाहिए, 100 है। तो ये 100 से कितना दूर है, -1। ये 100 से कितना दूर है, -4। सबसे पहला काम क्या हुआ आपका, कि आपने पता किया कि दोनों नंबर्स बेस से कितना दूर है। ओके ठीक है। अच्छा अब हमारे जब आंसर्स हम लिखेंगे तो इसको दो पार्ट में आपको समझना है आंसर को, राइट। पहला पार्ट आप क्रॉस में, है ना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, है ना, यहाँ पे माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो आप पहला पार्ट क्रॉस में किसी का भी आप 99-4 कर ले तो क्या मिलेगा आपको, 95। या आप 96-1 कर ले, 95, दोनों ही सेम आएंगे। आपने क्रॉस में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो आपने क्रॉस में सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए सब्ट्रैक्शन, तो 99 में से 4 गया 95 बचा, या आपने 96 में से 1 गया तो 95 बचा, दोनों से एक ही बात आएगी। दिस विल बी माय फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर, तो मेरा पहला पार्ट हो गया 95, ठीक है बच्चों। दूसरा पार्ट ऑफ आंसर क्या होगा, ये जो आपने डिफरेंस लिखा है ना, ये जो आपने डिफरेंस लिखा है ना -1 और 4, इनको मल्टीप्लाई करिए, इनका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -4 का मल्टीप्लीकेशन, +4 आएगा इनका मल्टीप्लीकेशन। लेकिन लिखते वक्त आपको बेस में कितने जीरोज है, 2, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट में लिखना है उनको। बेस में कितने जीरोज है, 2 जीरो है ना, उस हिसाब से आप यहाँ पे भी 4 नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, 04। तो ये हमारा आंसर हो गया 9504, ठीक है। देखो आप पहला क्वेश्चन था, अच्छे से देखो, हम तो 10 एग्जाम्पल्स करेंगे, हमको पक्का समझ आएगा, पेशेंस रखिएगा आखिरी तक। ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले बेस सिलेक्ट किया, क्या है यहाँ पे दोनों के लिए, बेस 100 आया। अब 99 बेस से कितना दूर है, -1, 96 -4, पहला काम आपने ये कर लिया। अब क्रॉस में आप यहाँ पे माइनस होने के कारण सब्ट्रैक्ट हो गया क्रॉस में, तो 99 में से 4 गया 95, या 96 में से 1 गया, कोई भी करेंगे आप, तो 95 आया। दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, है ना, आंसर का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, ये जो डिफरेंस है इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो -1 और -4 का मल्टीपल 4 होता है, लेकिन हम 04 लिखेंगे, क्यों, बेस में कितने जीरोज है ना, 100 के बेस में 2 जीरोज है, तो आंसर भी 2 डिजिट का होना चाहिए। और प्रैक्टिस करते हैं सर, ओके, इतना अच्छे से नहीं समझा, देखिए 98 × 95, ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। हमारा बेस क्या होगा, आप करो मेरे साथ साथ, बेस होगा 100, ओके। कितना दूर है 98 100 से, -2, और ये -5, करेक्ट है। क्रॉस में, है ना, कोई भी एक कर लो, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक करोगे, 98 में से -5 किया तो आया 93। दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, ओके। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा आपको, तो बेटा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या, 10 आया, और 2 डिजिट ही होना चाहिए ना मेरा आंसर, क्योंकि 2 जीरोज है मेरे बेस में, सो बस 9310, इतना आराम से मेरा आंसर आ जाता है, ओके। चलिए और देखे, 8978 बेस क्या होना चाहिए, 100 ही होना चाहिए सर। 100 से 89 कितना दूर है, -11,
फिर 78 कितना दूर है? -22। कोई भी एक क्रॉस करिए सर, ये इजी लग रहा है मुझे, कोई भी एक करो, है ना, दोनों में से, क्योंकि दोनों का सेम आता है। क्रॉस में आपने 78 में से 11 सब्ट्रैक्ट किए बच्चों, तो सर 78 में से जब 11 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बचेगा? 67 बचेगा। यस ओके, तो यस बच्चों 67 बचेगा। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकेंड पार्ट कैसे मिलता है मुझे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो मुझे अब करना है 11 से 22 को मल्टीप्लाई। अब 11 से 22 को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लीकेशन बाय 11 भी हमने देखा है, हमारा पहला ही वीडियो था। यस, कैसे? 2 पहले, फिर इन दोनों का एडिशन 4 और फिर 2, 242 आया। तो बच्चों हम 242 एज इट इज लिखेंगे क्या आगे? नो। क्यों? बेस में कितने जीरोज है? 2 जीरो है, तो 2 डिजिट में ही होना चाहिए मेरा आंसर, करेक्ट। तो 242 में से सिर्फ आखिरी 2 डिजिट लिखोगे आप, और ये जो 2 है वो कैरी आएगा, राइट। 242 में से आखिरी 2 डिजिट आपने लिख दिए लास्ट 2 प्लेसेस पे, और ये 2 कैरी आ गया, एंड दस द आंसर इज 6942। है ना बच्चा लोग, है ना, अच्छे समझिए इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। सबसे पहला स्टेप, बेस क्या है? 100, करेक्ट। 89 कितना दूर? 11, तो -11 हो गया। 78 कितना दूर? सर -22। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। सर क्रॉस में क्या करना है हमें? एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहाँ माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, कोई भी करो आंसर सेम आएगा। तो मैंने 78 को 11 से सब्ट्रैक्ट किया, 67 मेरा पहला पार्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट कैसे मिलता है बच्चों? हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा ना इस डिफरेंस का, 11 और 22 का। अगेन ये मल्टीप्लीकेशन आसान है, मल्टीप्लीकेशन बाय 11 का टेक्निक, 242 पूरा लिखेंगे क्या? नो, यहाँ पे बेस में 2 जीरोस है, तो मेरा नेक्स्ट पार्ट जो है वो सिर्फ 2 डिजिट का होना चाहिए। तो 42 लिखा और वो 2 कैरी हो गया, एंड दैट गिव्स अस 6942। इजी? यस। चलिए अगला, तो नेक्स्ट एग्जांपल 994 और 998, इनका बेस क्या होगा बच्चों? तो बेस सर 3 डिजिट नंबर है, तो 1 के आगे 3 जीरो आएंगे, ठीक है। तो 994 कितना दूर है? -6, और 998 कितना दूर है? -2। किसी भी एक का क्रॉस में राइट सब्ट्रैक्शन होगा, तो वो हो गया 994 में से -2 गया, तो पहला पार्ट हुआ हमारा 992। ओके बच्चों, अब सेकेंड पार्ट जो है आंसर का, वो कितना डिजिट का होगा? बेस में कितने जीरोज है? 3, तो यहाँ पे 3 डिजिट का होगा, और वो कहाँ से मिलेगा आपको? जब आप -6 और -2 मल्टीप्लाई करोगे, विच इज 12 आपको लिखना है 3 डिजिट में, तो 012। दिस इज माय आंसर। यकीन नहीं हो रहा आपको कि आप एक सेकंड में कर पा रहे हो, कैलकुलेटर निकालो, चेक कर लो, ठीक है, आपको दिख जाएगा, कैलकुलेटर से भी फास्ट हो रहा है आपका कैलकुलेशन, ठीक है। देन फिफ्थ एग्जांपल, चलो फटाफट, सर बेस क्या होगा? तो इसका बेस होगा 1, इसके आगे कितने जीरोस लगेंगे? 1, 2, 3, 4, है ना, 4 जीरोस लगेंगे बच्चों, एग्जैक्टली, ठीक है। तो 1 के आगे हमारे 4 जीरोस होंगे, कितना दूर है ये? तो ये -4 है और ये -5 है। किसी भी एक को आप क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करोगे, तो पहला पार्ट हुआ 9991, 9996 में से 5 माइनस किया, तो ये बचेगा। अब सेकेंड पार्ट कितना डिजिट का होगा? कितने जीरोज है बेस में? 4 जीरोस, तो 4 डिजिट का होना चाहिए। तो बच्चों है ना, 5 4 20, तो 0020, यही हमारा स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था मैंने। देखो आप मैच कर लो आंसर, तो आप भी उतना ही फास्ट कर पा रहे हो जितना मैं कर पा रहा था, बहुत अच्छे। तो अभी तक जो भी नंबर्स देखे, इसमें बेस से छोटे नंबर्स थे। चलो नाउ लेट्स सी सेकेंड पार्ट, जहां पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज अबाउ द बेस, ठीक है। तो नंबर्स आर अबाउ द बेस, ठीक है बच्चों। चलो डायरेक्ट एग्जांपल देखें, आता है हमें 109 106, राइट। तो बेस क्या होगा बच्चों? 100, कितना ऊपर है 100 से? +9, और ये +6। तो जब इस बार क्रॉस करोगे तो यहाँ क्या होगा? एडिशन होगा, प्लस है ना, एडिशन। तो 109 + 6, तो 115, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया जैसे कर रहे थे। और बच्चों नेक्स्ट पार्ट जो कितने डिजिट का होगा? 2 डिजिट्स, क्यों? 2 जीरोस है बेस में, और 9 6 54, तो दिस गिव्स मी माय आंसर, ऐसा मेरा आंसर आ जाता है। अब तो सुपर फास्ट कर सकते हैं सर हम, यस ना। कितना बेस है हमारा? 100 है, कितना आगे है? 7, कितना आगे है? 1। क्रॉस में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट जो है, तो इस बार ऐड होगा, तो 107 में 1 ऐड हुआ, 108, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट का आंसर कितना डिजिट का होगा? पहले हमेशा सवाल होना चाहिए कितना डिजिट का होना चाहिए, 2 जीरो से बेस में, तो 2 डिजिट का। अब ये कहां से आएगा? इनके मल्टीप्लीकेशन से, तो 07, क्योंकि 7 1 7, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है आपको, तो 07 लिखना पड़ेगा। ओके बच्चों, एकदम क्लियर है, बहुत अच्छे। चलो फटाफट और 3 एग्जांपल्स कर लें। तो अगेन इसका बेस क्या होगा बेटा? तो 1000 विल बी इट्स बेस, कितना आगे है? +4 +8,
कोई भी क्रॉस में एडिशन कर लीजिए, तो 1004 प्लस 8 तो इट विल बी 1012। नेक्स्ट डिजिट्स कितने होने चाहिए, नेक्स्ट पार्ट में डिजिट्स कितने होने चाहिए, 3, क्यों, 3 जीरोस है, और वो कहां से आएंगे, इनके मल्टीप्लिकेशन से, तो 032 है ना, वेरी वेरी इजी सर, यस है ना। तो अगेन नेक्स्ट क्या होगा बेस यहाँ पे, तो 1000 राइट, चार बार जीरो आएंगे आगे, एग्जैक्टली प्लस 8 प्लस 7, ठीक है, ये बात पता है हमें, क्रॉस में आप करिए एडिशन, ठीक है, 10015 एडिशन सही करिएगा, है ना, 10008 प्लस 7 तो 10015। नेक्स्ट पार्ट कितने डिजिट का होगा, चार जीरो है यहाँ पे बेस में, तो चार डिजिट का, तो ये आएगा 0056, 7 8 56, एंड दिस इज हाउ वी गेट आवर आंसर। तो हमारा आंसर 10015056, इतने आराम से, मतलब आप, लगता है आपको 5 सेकंड लग रहे हैं, उससे भी कम, यस, और बहुत ही मजेदार टेक्निक है, यस सर, यस, ये वही क्वेश्चन है जो हमने शुरुआत में लिखा था। बच्चों यहाँ पे क्या होगा, बेस हमारा 1000, ठीक है, कितना आगे है, प्लस 12, कितना आगे है, 8, तो अब आप क्रॉस में एडिशन कर लो, ये क्या होगा 1020, और ये कितना डिजिट का होगा, 3 डिजिट का, कहाँ से आएगा, 12 8 96, तो ये मेरा आंसर हो गया 1020096। यकीन नहीं होता, कैलकुलेटर से आप कभी भी चेक कर सकते हो विद इन सेकेंड्स सर, लेकिन ये तो स्पेसिफिकली इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए ही है सर, मेरे मन में अगर ये नंबर हो वो नंबर हो तो कैसे होगा। बच्चों ये सारी चीजें जानने के लिए आपको मुझे हर संडे फॉलो करना पड़ेगा, है ना, ऐसी बहुत सारी टेक्निक, एक जनरल टेक्निक भी बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे, पहले हम कुछ शॉर्टकट्स देख रहे हैं, धीरे धीरे हम ऐसा टेक्निक देखेंगे कि कोई भी नंबर किसी भी नंबर से फास्ट मल्टीप्लाई कैसे हो, वैदिक मैथ्स में सारे राज है। तो बच्चों क्या लगता है आपको, इन 10 क्वेश्चन से आपका संडे सुपर संडे बना, कमेंट करिएगा, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट, है ना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और यस प्रैक्टिस जरूरी है ना, जो भी आपने पढ़ा उसको प्रैक्टिस करना चाहिए आपको, तो प्रैक्टिस करने के लिए स्टार क्वेश्चन दिए हैं मैंने, तो ये स्टार क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है यहाँ पे स्टार क्वेश्चन, ओके बच्चों, तो ये 4-5 क्वेश्चन जो है आप इनको अटेम्प्ट करिए, और मुझे बताइए कितना सेकेंड्स लगा आपको पांचों करने के लिए। आई एम वेरी श्योर कि आप 25 से 30 सेकेंड्स में इन पांचों को कर पाओगे, राइट, ऑल 5 क्वेश्चंस विल बी इजीली डन बाय यू ऑल, ठीक है बच्चों। तो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज गेट कनेक्टेड, सब्सक्राइब करिए, है ना, चैनल को अगर नहीं किया हो तो। एवरी संडे आपको ऐसी मैजिकल जहां आपके मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट और सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आपको लगता है सर इस पे वीडियो बनाइए, तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक को पहले लूंगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए, तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट में। चलो बच्चों ऐसे ही कनेक्ट रहिएगा, ओके, सो हैव अ ग्रेट संडे, थैंक यू।